सर टोनी कक्कर के मुंह में पाद के आवाज ठीक कर दो। हो गया। तो जितने लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी मात्र 10 सेकंड होंगे, बिल्कुल 10 सेकंड और ये प्राणी खली सर की बेइज्जती मानना शुरू कर देगा, घनिष्ठ बेइज्जती मानना शुरू कर देगा। तो जाओ यार अपना काम धंधा करो, मुझे अगली वीडियो भी बनानी है भाई। मैं कोई गलत रिस्क नहीं ले सकता। और तुम लोग उम्मीद भी क्या कर रहे हो तुम लोग। इस प्राणी से बकचोदी करूँ मैं? इस प्राणी से जानते हो कौन है? अरे जब अंडरटेकर को 4 चमाटे लगा दिए तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ? हिज़ा खली एंड हु आई एम कौन हूँ बैंचुद मैं? आई एम अ खाली। बकचोदी की कोई उम्मीद नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ कमेंट पड़े जाएंगे। फिर मारने का आएगा तू? कुछ समय पहले हमारे द ग्रेटेस्ट खली इंस्टाग्राम पे लाइव आए जहाँ पे एक व्यक्ति ने अपनी एक बकचोद सी ख्वाहिश उनके सामने रखी कि सर पाद मार के सोफा फाड़ दो। कौन है ये लोग? और फिर सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा उनके सामने रखना शुरू कर दिया। तो आज हम लोगों की इच्छाएं जानेंगे कि किसकी क्या क्या इच्छा है। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरी भी एक इच्छा है उनसे, मेरी भी इच्छा है जो वीडियो के मैं एंड में बताऊंगा। पहले हम सबकी इच्छाएं जानते हैं। ओके सर, वो बुलेट पे बैठ के उसको हार्ली डेविडसन बना दो। ओके नेक्स्ट सर, टोनी कक्कर का माइक तोड़ दो। ये बढ़िया था गुरु। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? नहीं, इस चीज़ में तो बहुत लोगों की खुशी है कि अगर खली सर टोनी कक्कर का माइक तोड़ दें, लेकिन वो चूतिया फिर नया खरीद लेगा मार्केट से, है ना? सर अपने बाल दे दो, फांसी लगानी है। सर कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। वेल डन, तालियां होनी। सर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ सही ना, जैसे इस कमेंट को पढ़ने के बाद खली सर अपनी सारी प्रॉपर्टी इस चूतिये के नाम कर देंगे, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। सर लिपसिंग करके सारा मूड खराब कर दो। बात में तो दम है वेंचोत। सर ईंट को चाय में डुबो के खा लो। सर फोन के स्क्रीन से हाथ बाहर निकाल कर मेरे बालों में तेल लगाओ। चूतिए। सर अपने निप्पल्स की आपस में लड़ाई करा दो। सर मुझे उठाकर मियां खलीफा के घर फेंक दो। और साथ में मुझे भी फेंक दो, समझ रहे हो? अब हमारे जैसे हम लोग इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हैं? इसलिए ताकि हम लोग कुछ बकचोदी मचा सके। लेकिन खली सर का अलग है, खली सर का सिस्टम बिल्कुल अलग है। कभी कभी खली सर इंस्टाग्राम पे सिर्फ अंगड़ाई लेने के लिए आते हैं, कभी धोखे से वीडियो ऑन हो गई तो डायरेक्ट अपलोड भी हो जाती है। और तुम लोग मानो या ना मानो, जब भी मेरा टाइम पास नहीं होता है मैं खली सर की पोस्ट के कमेंट पढ़ता हूँ। और ये कौन कह रहा है कि खली सर एक बार वीडियो चालू कर देते हैं तो फिर उन्हें बंद करना नहीं आता? कौन कह रहा है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। और एक बार तुम सोच के देखो कि तुम्हें भविष्य में कभी WWE में गुथाई करने का मौका मिलता है और तुम स्टेज पे जाते हो, तुम्हारा स्वागत कुछ इस प्रकार होता है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये देख के सीधा घर की ओर भागूंगा, क्योंकि इसको देखने के बाद मैं सामने वाले विरोधी को मारूं या ना मारूं, टॉयलेट का इंतजाम करके मुट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बकचोदियों का आजाद आखिर किस प्रकार होता है, किस प्रकार? तो मैं वो विनोद तो याद ही होगा, स्ले पॉइंट विनोद, बस ऐसे ही समझ लो कि सेम स्थिति है, क्योंकि ना हम वहाँ स्ले पॉइंट को दोषी ठहरा सकते हैं और ना यहाँ पर हमारे खली सर को। खली सर को कितना ट्रोल करना सही है और कितना गलत, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो तुम लोग ये जान लो कि हमारे द ग्रेट खली मारने कूटने के काम से फेमस है, इसलिए बकचोदी तो ऑफ कोर्स तुम्हारी उनके सामने चलेगी नहीं, वरना तोड़वाओ फिर हड्डियाँ। और अगर तुम कुछ करवाना चाहते हो उनसे, लाइक अपना ब्रेकअप करवाना चाहते हो, या फिर अपने टीचर की गांड तोड़वाना चाहते हो, या फिर काम से परेशान हो के अपने बॉस की धुलाई करवाना चाहते हो, वो करवा सकते हो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में और खली सर के पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर तुम उनके सामने बकचोदी करने जाते हो तो गांड तुम्हारी टूट सकती है, सावधान। ट्रोल करने के मामले में तुम्हें टोनी कक्कर बिल्कुल मत समझो, क्योंकि वो गंदी ऑटो ट्यून लगाकर हमारे कानों के साथ बकचोदी करता है, लेकिन सर ने फॉरेन में जाके ट्रॉफियां कमाई हैं फॉरेनर्स को कूट के। वो बात एक अलग है कि अब WWE कितनी स्क्रिप्टेड रहती है सबको पता है,
कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे द ग्रेट खलीसर का अभी भी पैशन खत्म नहीं हुआ ना। अभी भी वो दो चार लौंडों को पकड़ के अपने CWE में गुथवाते हैं। देखो बकचोदी नहीं पैशन है ये। हमारे इंडिया में दो लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, एक तो वो जो कहीं पे जाके अपना नाम कमाए और दूसरे वो जिनके पास सरकारी नौकरी हो, है ना। लेकिन हमारे खलीसर दोनों कर चुके हैं, दोनों। वो बात एक अलग है कि इस पोस्ट पे कमेंट बहुत अच्छे हैं। ये तब की फोटो है जब सर ने पुलिस को नौकरी पे रखा था। कंट्रोल सर अपनी टोपी दे दो, मुझे शादी के लिए टेंट लगाना है। कोई तरीका है भीख मांगने का? सर मेरा एनकाउंटर कर दो। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो से खली सर के लिए कोई हेट नहीं, मैं बिल्कुल हेट नहीं करता उनको। और हाँ मेरी बिस बाकी रह गई है, मेरी इच्छा। खली सर जो भी मेरी वीडियो को डिसलाइक करता है उसकी CWE के रेसलरों से गांड तोड़वा दो, है ना।